नमस्कार दोस्तों, स्टे हेल्दी आपका एक बार फिर स्वागत करता है। दोस्तों, आजकल स्वाइन फ्लू बहुत तेजी से फैल रहा है। रोजाना स्वाइन फ्लू के कारण अनेक पीड़ित मरीजों की मौत हो जाती है, क्योंकि उन्हें स्वाइन फ्लू के कारण व लक्षण व बचाव और इलाज के बारे में पता नहीं होता है। स्वाइन फ्लू की बीमारी H1N1 वायरस के फैलने के कारण होती है। यह वायरस हवा में फैल जाता है और सांस लेने पर लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाता है। मौसम के बदलने के साथ यह बीमारी गर्मी के मौसम में काफ़ी तेजी से फैलने लग जाती है। आमतौर पर स्वाइन फ्लू के लिए सुअरों को मुख्य कारण माना जाता है, और अगर स्वाइन फ्लू का समय पर उपचार ना किया जाए तो यह जानलेवा हो सकता है। तो आइए जानते हैं स्वाइन फ्लू के कारण व लक्षण, जिससे आप इसे आसानी से पहचान कर उपचार ले सकें। व्यक्ति को ज़्यादा बुखार आना, खांसी आना भी स्वाइन फ्लू का लक्षण होता है। सिरदर्द होना, गले में खराश होना, ज़्यादा कमजोरी या थकान लगना, सांस लेने में तकलीफ होना, दस्त की समस्या होना, बार बार उल्टी आना। दोस्तों, आप इन लक्षणों को पहचान कर स्वाइन फ्लू की पहचान व बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए जानते हैं कि स्वाइन फ्लू का घरेलू उपचार कैसे किया जाता है। गुनगुना दूध। स्वाइन फ्लू में रोजाना रात में दूध में हल्दी डालकर पीना फायदेमंद होता है। कपूर। एक गोली के आकार का कपूर का टुकड़ा महीने में एक या दो बार गुनगुने पानी के साथ निगल लें। ये स्वाइन फ्लू से बचने में फायदेमंद होगा। नीम। आपको रोजाना नीम की 3 से 5 पत्तियां चबानी होंगी, जिससे खून साफ रहेगा और स्वाइन फ्लू का खतरा कम हो जाएगा। विटामिन सी। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए खट्टे फल और विटामिन सी से भरपूर आंवला जूस का सेवन करें, यह बेहद फायदेमंद रहेगा। तुलसी। तुलसी की दोनों तरफ से धुली पत्तियां रोज सुबह खाएं, जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और संक्रमण का खतरा कम हो जाएगा। लहसुन। रोज सुबह लहसुन की 2 कलियां कच्ची चबाएं, यह अन्य चीजों के बजाय आपकी इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ाती है। एलोवेरा। एलोवेरा जेल को 1 स्पून में पानी के साथ लेने से जोड़ों का दर्द दूर होगा और इम्यूनिटी बढ़ेगी, जो स्वाइन फ्लू से बचाव के लिए उपयोगी है। प्राणायाम। रोजाना प्राणायाम करना आपके लिए फायदेमंद होता है। इससे आपका शरीर स्वस्थ रहता है और संक्रमण का खतरा कम रहता है। तो दोस्तों, उपायों से आप स्वाइन फ्लू जैसी बीमारी की समस्या से आराम पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही बीमारी व उसके उपचार के साथ। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें व हमारे चैनल स्टे हेल्दी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।